الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين كلوا وتمتعوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون
ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. एक मिनट के लिए आप हजरात को मैं तकलीफ दूंगा क्योंकि मुझसे पहले मशवरा नहीं हुआ तो आपको जैसा मालूम है मेरी सेहत नहीं है, मैं बाकायदा जहाँ नहीं आ रहा, तो एक मिनट के लिए तशरीफ रखें, एक मिनट के लिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, अब रमज़ान भी सिमट रहा है, जाने के करीब है और जितने ही मुबारकबाद, बल्कि मुबारकबाद क्या, मैं ये कहूँ कि कितनी अल्लाह की रहमत है आपने रमज़ान के कुरान को कैसा सुना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसा हरम में पढ़ा जा रहा है, अल्लाह ने आपको कराची में आपके घरों में उसी अंदाज का कुरान की तिलावत, उसी अंदाज की तरावियां नसीब फरमाई दी। मेरे रब का करम है, ये मेरे रब का करम है। मैं मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये दफ्तर में मैं बैठा था मदरसा इस्लामिया में, तो ये तशरीफ लाए, कोई काम था तो मैंने इनसे गुजारिश की। इस कारी साहब के लिए लंदन से भी मांग थी, मराकश से भी मांग थी और जगहों से भी। तो जब ये मेरे सामने जिक्र हुआ तो मैंने इनके वालिद मोहतरम से कहा, मैंने कहा देखिए आपने पिछले साल बाहर भेजा, शायद चंद पैसे ज़्यादा मिल गए होंगे, चंद डॉलर ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आप इस कारी साहब की ज़िंदगी को ख़राब न करें। ये बच्चा है, अल्लाह ने जो कुरान की नेमत इसको अता की है तो बड़े बड़े लोग इस पे कुर्बान होंगे। इसके कदमों के नीचे ये कुरान की बरकत से अपने कपड़े भी बिछाएंगे, रुमाल भी बिछाएंगे। लेकिन आप बाप हैं, आप मुस्तकबिल पर नजर रखें। मैंने इनसे यह कहा कि कतन आप बच्चे को बाहर न भेजें तरावियां पढ़ाने के लिए, कतन कतन न भेजें,
बाहर लोग शेख कहेंगे, हजरत जी, शेख जी, कौड़ी साहब जी, बच्चे का जहन फिर ये तालीम से पीछे हट जाएगा, ये खाली हाफिज रह जाएगा, आलिम नहीं बन सकेगा। आप बच्चे के मिजाज को तालबाना रखें, पाकिस्तान के अंदर इसने नेमत दी है तो पाकिस्तान के अंदर रखें और पाकिस्तान के अंदर इसको इल्म पढ़ाएं। एक से एक बड़ा इदारा है, जैसा अल्लाह ने इसको कुरान दिया है अल्लाह इसको आलिम भी इतना बड़ा बना दे, आमीन सुम आमीन। आलिम इतना तो गालबन इनके वालिद साहब ने मेरी ये चंद बार, मैंने अपनी जगह पे तरावी पढ़ाने के लिए दावत नहीं दी थी मौला को, इनके वालिद साहब हाफिज साहब को, मैंने ये नहीं कहा था कि आप इस मेरी मस्जिद में पढ़ाएं, आप मुफ्ती अबू तल्ला साहब की मस्जिद में पढ़ाएं, मैंने ये कहा था कि बच्चे के मुस्तकबिल पे नजर रखें, अगर बाहर ये बच्चा चला गया तो फिर आलिम बनना मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने मेरी गुजारिशात को कबूल किया, शायद इनको पता नहीं कितना बार इनामात मिलते, लेकिन ये भी इनके इखलास है कि उन डालरों को ठुकरा दिया इन्होंने, उस पेशकशों को ठुकरा दिया। और फिर हुआ ये, मैंने ये जो गुफ्तगू इनके वालिद साहब से हुई, न तो मैंने अबू तल्ला को बतलाया, मैंने अपने बेटे अब मुफ्ती अबू, मैंने इखलास से नीयत से यह मशवरा दिया था, लेकिन अल्लाह ने करना ऐसा किया कि ये कारी साहब आपके पास आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से बनना सका आप इसका किस अंदाज का कुरान, न कोई नून गुन्ना छूटा, मैं आठ तरावियां पढ़ता हूं फिर घर पे चला जाता हूं, बड़ी गौर से सुनता हूं, न कोई नून गुन्ना छूटा, न कोई शद छूटी, न कोई कलकला छूटा, न कोई मद छूटा, न कोई इख्फा छूटा। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, इसका पढ़ना आपका सुनना कबूल फरमाए। दिन उनके भी रमजान गुजर गए जिन्होंने आधे पौन घंटे में तरावियां पढ़ी, ठक ठक ठक, ना आमीन का, ना लद्दालीन का, ना अनम तक किसी चीज का पता नहीं, ठक्का ठक ठक्का ठक, और कुरान कुर्बानी आपने भी दी। और मैं इतना खुश हूं कि आखिर तक मस्जिद भरी रही, देखो अब भी वो कहां तक है। तो बहरहाल मेरी एक गुजारिश है, छोटी सी जगह है, आपके मुफ्ती साहब ने पता नहीं मैं ये मेरा गला क्यों चल गया, मैं तो बात भी मुश्किल से कर सकता हूं, अभी ऑपरेशन से चंद दिन हुए, अभी भी तकलीफ बहुत चल रही है, लेकिन ये कुरान की बरकत है कि इतना बोल रहा हूं। छोटी सी जगह है, 100 लड़के हैं, 50 शहरी हैं, 50 बार हैं, 970 का खर्चा है। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात अपने ज़कात सदकात अतियात नकद की हालत में, कैश की हालत में, चेक की हालत में, मैं ये नहीं समझता कि हजरत साहब कल वहां बैठे हों तो कोई डाले कोई चला जाए, तो मैंने ये मुफ्ती अबू तल्ला साहब से ये गुजारिश की है कि कल फर्जों की नमाज के बाद सब तैयारी करके आएं,